नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा। राजस्थान हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है कि शादी होने के बाद अब किसी महिला को अपना मूल निवासी बदलने की जरूरत नहीं है। लड़कियां अपने माता पिता के रहने के स्थान से मूल निवास प्रमाण पत्र की हकदार है, यानी कि शादी से पहले जहाँ लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी उसी को अपना मूल निवास प्रमाण पत्र पर रख सकती है। पहले आपको बता दें कि मूल निवास होता क्या है। यह हर राज्य में बनाए जाने वाला प्रमाण पत्र होता है जो आपके निवास स्थान का सबूत होता है और इस पर आपके वहाँ के निवासी होने के बारे में लिखा होता है या आपका एड्रेस प्रूफ भी होता है। राजस्थान की बड़ी सादरी निवासी 26 वर्षीय अनीता सुथार ने याचिका दायर कर बताया कि उसका जन्म चित्तौड़गढ़ में हुआ था। बरसों तक वह अपने माता पिता के साथ चित्तौड़गढ़ में रही। उसके पास चित्तौड़गढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र भी है। शादी के बाद वह अपने ससुराल बड़ी सादरी आ गई। चित्तौड़गढ़ TSP क्षेत्र में आता है। ऐसे में उसने तहसीलदार के समक्ष TSP क्षेत्र का निवासी होने का प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए आवेदन किया। उसका आवेदन इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि वर्तमान में जिस स्थान पर वह रह रही है, जिस स्थान की वह निवासी है, वो TSP क्षेत्र में शामिल नहीं है। ऐसे में उसका यह प्रमाण पत्र नहीं दिया जा सकता है। न्यायाधीश दिनेश मेहता ने अनीता का पक्ष सुनने के बाद यह कहा कि सिर्फ शादी होने के आधार पर किसी का मूल निवास स्थान नहीं बदल सकता है। शादी से पहले यदि वह ट्राइबल सब प्लान TSP क्षेत्र में रहती थी तो वह विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र की हकदार है। खंडपीठ ने अनीता से कहा कि वह इस फैसले की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ बड़ी सादरी के तहसीलदार के समक्ष नए सिरे से आवेदन करे। साथ ही तहसीलदार को भी आदेश दिया गया है कि वह 15 दिन के भीतर इस मामले का निस्तारण करे। ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जिन्हें इस तरीके की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हाईकोर्ट का यह फैसला से बहुत सारी लड़कियों को राहत मिलेगी क्योंकि शादी के बाद लड़कियों को अपना मूल निवास स्थान बदलना पड़ता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। धन्यवाद।